आज लद्दाख के अनशन का 45वां दिन है और यहाँ पर हमारे साथ बहुत से भिक्षुगण हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब इस अनशन में बैठे हुए हैं। और आज ही से भारत में चुनाव भी शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि चुनाव लोकतंत्र का एक उत्सव है, एक जश्न है, एक सेलिब्रेशन है। इसमें आप सब भाग लीजिएगा राष्ट्र निर्माण के लिए और सबसे अच्छे नेताओं को चुनिएगा जो चरित्रवान हो, जो सच्चाई पर चलते हों और जो देश का बहुत भला कर सकें। अब दूसरा चुनाव से जुड़ा हुआ जो मैं आज अपडेट देना चाहूँगा वो ये कि आप में से बहुतों ने कई बार ये पूछा है कमेंट्स में कि आप ये अनशन चुनाव के समय पर ही क्यों हैं। इससे आपकी नियत पर शक होता है कि आपने ये चुनाव से ठीक पहले क्यों किया, जबकि चुनाव के दौरान सरकारें अपने वादे पूरे नहीं कर सकते, कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि असल में चुनाव के समय पे करने का हमारा कोई इरादा भी नहीं था, ना ही फैसला था। ये अनशन या ये मांग तो आज से 5 साल पहले से की गई थी और आपको याद होगा 2019 में लद्दाख एक यूटी बना था। उससे पहले से लद्दाख के लोग 6वें शेड्यूल में लद्दाख को संरक्षित करने की मांग कर रहे थे और इसी अनुसार हमारे रूलिंग पार्टी ने 2019 के संसदीय चुनाव में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में सम्मिलित करना इसे अपने सबसे महत्वपूर्ण तीसरे बिंदु की तरह रखा था, जैसा आप देख रहे हैं। तो 2019 के संसदीय चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा था और इसी के वजह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भारी बहुमत भी मिला लोगों ने चुना उन्हें, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ये संरक्षण दी जाएगी। उसके बाद लद्दाख एक यूटी बना और सबको विश्वास था कि अब तो संरक्षण 6वें शेड्यूल में दी ही जाएगी, क्योंकि ये वादा था चुनाव में। और सिर्फ लोगों की उम्मीद नहीं थी बल्कि सरकार की तरफ से यहाँ पर ट्राइबल मिनिस्टर, जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी आए, उन्होंने सभाओं में कहा और उन्होंने मुझे तो व्यक्तिगत एक पत्र भी लिखा जिसमें कहा गया था हम आपका 6वें शेड्यूल में पूरी तरह तैयार हैं करने के लिए। उसी तरह नेशनल कमीशन फॉर एसटी, उनके बैठकों में मिनट्स में हैं कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में लिया जाए। उसी तरह लॉ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री सब ने यही आश्वासन दिया कि ये होगा लद्दाख के साथ। फिर उसके बाद एक चुप्पी सी रह गई अगले साल 2020 तक। तब तक लोग बड़े चिंतित होने लगे कि अब क्यों नहीं कर रहे हैं ये 6वें शेड्यूल वाला वादा पूरा। तो जब सरकार की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई कि हम ये करने जा रहे हैं और वो खामोश से हो गए, तो लोगों ने बहुत चिंतित होकर जब 2020 में सितंबर अक्टूबर में चुनाव हो रहे थे लद्दाख के हिल काउंसिल का, लगभग 1.5 साल बाद, तब लोगों ने कहा कि अगर इस बिंदु पर अमल नहीं होता है तो लद्दाख के लोग ये जो चुनाव हैं हिल काउंसिल के उसका बहिष्कार करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो ऐसे में आप ज़रा देखिए कैसे ये इस चुनाव तक पहुंचा। तो ऐसे में दिल्ली से गृहमंत्री जी ने एक विशेष विमान भेजा ले हमारे नेताओं को दिल्ली ले जाने के लिए और वहां जाकर उन्होंने आग्रह किया कि आप चुनाव का बहिष्कार न करें बल्कि हमें समर्थन करें, क्योंकि हम आपका मांग पूरा करने वाले हैं इन चुनावों के बाद। और हमारे नेता लद्दाख के बहुत भोले भाले होते हैं तो उन्होंने भी इसका विश्वास किया और धन्यवाद कर वापस लद्दाख में आए और उसी अनुसार, समझौते अनुसार उन्होंने चुनाव में न सिर्फ भाग लिया बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से फिर जिताया और यहाँ पर सरकार भी बनी हिल काउंसिल की। और इसके बाद मीटिंग्स पे मीटिंग्स हुए, जैसा कहते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख,
मगर कुछ नतीजा नहीं निकला अगले 4-4.5 सालों में। अब यहाँ आप देख रहे हैं कैसे टाल मटोल होता रहा और कुछ फैसला नहीं हुआ, वो देखिएगा। ये जो 26 सितंबर का मीटिंग है ये तब हुआ दिल्ली में जब लद्दाख के नेतृत्व ने हिल काउंसिल के चुनाव को बहिष्कार करने का फैसला किया, क्योंकि अब 6वें शेड्यूल पे वो अपने वादे पूरा करने से इनकार कर रहे। उसके बाद कई मीटिंग्स हुए 2021 में, आप देख रहे हैं लगभग 3, जिसमें से कोई नतीजा नहीं निकला, और फिर लगभग 2 साल के लिए ये टूटा रहा। फिर 2023-19 जून को दोबारा से ये शुरू हुए, और 19 जून को 4 दिसंबर को फिर एक मीटिंग रखने की बात ही हुई, और जब 4 दिसंबर को 14 नेता लद्दाख से अपने खर्चे से दिल्ली गए, वहाँ उनको बताया गया आपकी मांगे क्या हम लिखित में दे सकते थे। ये अपने आप में एक मजाक था, क्योंकि लिखित में वो बहुत पहले से दे चुके थे। और फिर अगले मीटिंग की तारीख तय हुई, वो था 19 फरवरी, और 19 फरवरी को जब ये नेता सब अब लिखित में देने के बाद गए, तो उन्हें बताया गया कि आपका ये जो टोली है कुछ ज़्यादा बड़ा है, 14 नेता हैं, हमें छोटी बनानी पड़ेगी, हम एक सब कमिटी बना के मिलेंगे अब 24 फरवरी को। और 24 फरवरी को जब मिले तो तब कहा गया कि हमारे इस मीटिंग में कुछ कानूनी विशेषज्ञ लीगल एक्सपर्ट्स नहीं है, अगली बार हम लीगल एक्सपर्ट्स को भी बुलाएंगे। तो हमारे नेता दिल्ली में लगभग 2 हफ्ते पड़े रहे मीटिंग के बाद मीटिंग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और आखिरी मीटिंग फिर 4 मार्च को बुलाया गया, जो कि बहुत देर हो चुका था क्योंकि अब संसदीय चुनाव आने ही वाले थे। तो 4 मार्च के मीटिंग में जब चुनाव की घोषणा अगले 12 दिनों में होने ही वाली थी, तब उस मीटिंग में अमित शाह जी ने कहा कि आपकी हम कोई भी मांग नहीं पूरा कर सकते हैं, ना हम आपको 6वां शेड्यूल दे सकते हैं, ना ही हम आपको स्टेटहुड की बहाली कर सकते हैं, बल्कि अगर प्रधानमंत्री जी खुद लिख के दें तो भी मैं नहीं दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। और इस तरह ये पूरा मीटिंगों का सिलसिला ही फेल हो गया 4 मार्च को, और इसके बाद मजबूर होकर 6 मार्च से लद्दाख के नेतृत्व को अनशन के आंदोलन की शुरुआत करनी ही पड़ी। अब आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी से उन्हें इस समय यह आंदोलन करना पड़ा। तो जैसा आपने देखा, ये वादे 2 चुनाव में हुए, और लद्दाख के लोग संरक्षण, पर्यावरण और संस्कृति का, और फिर दूसरी तरफ लोकतंत्र की बहाली की उम्मीद लगाए बैठे हैं, अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। अभी भी हम सोचते हैं कि सरकार अभी भी हमें एक ऐसा आश्वासन देंगे कि वो अगर सत्ता में आए तो इस पर अमल होगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वैसे अभी से उनके घोषणा पत्र में ये 6वां शेड्यूल रखा गया है। तो आज मैं इतना ही आप लोगों को अपडेट देना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समर्थन का। जुड़े रहिएगा। धन्यवाद और जय हिंद।